तुम्हारी जनरेशन का प्यार है. फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया. कहाँ जा रही है हमारी युवा? तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, क्यों? मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. मोर की चोट लंबी और पेनी होती है. मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है. मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो. कीजिए टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन जॉइनफिल्म्स यूट्यूब चैनल की हेल्प से. अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सीखिए कि कैसे बॉलीवुड में एंट्री करते हैं. जॉइनफिल्म्स यूट्यूब चैनल उनके लिए जिनका कोई गॉडफादर नहीं. सर आपको दर्द होता है कोई मारे तो? आप बता दीजिए. तो सर ये वही है हमारी फिल्म में भी. हम सब मर्द हैं हमारी फिल्म में और हम सबको बहुत दर्द होता है सर. मैं जब स्त्री आती है बहुत दर्द होता है सर. हार्ट ब्रेक इज क्वाइट वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल. पर उसके अलावा जब अगर दूर से मेरे सामने से एक प्लेट डिजर्ट का जा रहा हो और किसी भी कारण से मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती या वो मेरे पास पहुँच नहीं सकता तो बहुत दर्द होता है. बहुत बहुत दर्द होता है क्योंकि बहुत बड़ा वीकनेस है डिजर्ट का. दर्द कैन बी एक्चुअली फिजिकल और इमोशनल. फिजिकल, इमोशनल, एनी थ्री इंसिडेंट्स इन योर लाइफ. ऑफ कोर्स व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, दैट वाज द मोस्ट टेरिबल पेन, इमोशनल पेन. उसके अलावा या वी वर प्लेइंग, या नो अपार ने बहुत रन आउट कराया मुझे. हम चंद्री में क्रिकेट खेलते थे तो हर बार बहुत दर्द होता था, तो वो बहुत दर्द की बात है. और आई थिंक जब भी लाइक सचिन के ऑलमोस्ट 100 मारने वाले होते थे पर आउट हो जाते थे तो बहुत दर्द होता था. आफ्टर सेवरल हिट्स, हिट फिल्म्स एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, इज देयर अ फीलिंग ऑफ यू फीलिंग लाइक अ हीरो टुडे फाइनली? आई डोंट नो हाउ अ हीरो फील्स ऑनेस्टली. आई फील लाइक एन एक्टर. आई वांटेड टू बी एन एक्टर एंड आई ऑलवेज वांट टू फील लाइक एन एक्टर. आई डोंट नो दिस टर्म ऑनेस्टली हीरो. मेरे पास एक्चुअली कोई स्क्रिप्ट भी लेके आता है ना, बोलता है कि सर हमारा जो हीरो है ना, मैं उसको कहता हूँ एक सेकेंड, उसका कुछ नाम है कि वो हीरो ही नाम है उसका, लेकिन नहीं वो जो कैरेक्टर है ऐसा ना. देन दिस सी द कैरेक्टर्स नेम. व्हाट इज हीरो? वी आर नॉट हीरोज. हीरोज आर पीपल हु आर फाइटिंग ऑन बॉर्डर्स मैन. फॉर अस वी आर नॉट हीरोज, वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब, दैट्स इट. आप जिस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनते आए हैं, हाल ही में जो आई थी न्यूटन, वो टर्म आपको लगता है डाइल्यूट हो गया है? जब एक हीरोइज्म का जो फिनोमिना था वो ज़रा डाइल्यूट हो गया है. अब जो हीरो होता है फिल्मों का वो बहुत रिलेटेबल चीज़ें करता है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें करता है, तो आप उस तरह की सिनेमा का हिस्सा बन गए हैं, तो इस बारे में आपके की राय क्या है? नो, आई टोटली अग्री विद यू सर. आई थिंक सिनेमा जिस गति से चेंज हो रहा है, आई थिंक उसमें हीरो की जो सो कॉल्ड हीरो की परिभाषा है वो भी चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई आप देखेंगे आज मतलब हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर सर भी, वो भी दंगल करते हैं. मैंने 50 साल के एक एक, एक पिताजी का पिता का रोल करते हैं. तो कहीं ना कहीं हीरो की परिभाषा चेंज हो रही है. एक जॉनर है एक्शन जॉनर, जहाँ पे यू नो स्टंट्स होंगे, बॉडी दिखानी होगी, वो एक जॉनर है. उसको आप अगर हीरो कहना चाहें तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अभी एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी आ गई है. कॉन्टेंट फाइनली यू नो इट्स गेटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. तो अभी हमारी ऑडियंस भी है जो वो कैरेक्टर्स देखना चाहती है स्क्रीन पे. वो चाहती हैं कि एक्टर्स आके कैरेक्टर्स को निभाएं और कुछ एक नई लहजा लें, नई बॉडी लैंग्वेज लें. दैट्स वाई आई थिंक फिल्म्स लाइक न्यूटन और बरेली की बर्फी और संजू, देयर सो मेनी फिल्म्स, दंगल, दे आर डूइंग यू नो सो अमेजिंगली वेल. उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.